इंडिया वर्सेस बांग्लादेश सेकेंड T20 मैच, और इंडिया ने ये मैच भी इजीली जीता है। यहाँ पे 86 रनों से यहाँ पे मैच जीता है। काफ़ी बड़ी जीत देखने को मिली हमें। और नितेश रेड्डी आप देख सकते हैं कि 3 विकेट इनिशियली हमारे यहाँ पे गिरे। यहाँ पे संजू का आप बोल सकते हैं बहुत जस्टिस जस्टिस बहुत हो गया, आप तो चीफ जस्टिस भी इनको बचा नहीं सकते मेरे हिसाब से, कितना जस्टिस जस्टिस संजू के नाम पर हुआ है। आज फिर मौका मिला था, फिर मौका गंवाया उन्होंने। अभिषेक शर्मा का ठीक है, जिस तरीके से वो प्लेयर खेलता है उनके फेलियर्स आएंगे देखने को मिलेंगे। स्काई का भी सेम है बड़ा, जिस तरीके से नितेश रेड्डी ने यहाँ पे पारी संभाली 74 रन इन जस्ट 34 बॉल्स, काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दिया है उन्होंने। बॉलिंग भी काफ़ी अच्छी करी है, 2 विकेट झटके यहाँ पे 23 रन दे करके। और गौतम गंभीर की आप देख सकते हैं कोचिंग में कितने सारे प्लेयर्स आप देख सकते हैं ऑलराउंडर्स यहाँ पे खेलते देखने को मिल रहे हैं हमें, तो काफ़ी पॉजिटिव साइन है ये हमारी टीम के लिए। और रिंकू ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, रिंकू का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा आया है। नीचे आकर के हार्दिक ने भी ठीक ठाक रन लगाए, और आप बोल सकते हैं बॉलिंग वाइज भी हमारी यूनिट का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। अर्शदीप ने जो पहला विकेट झटका था शानदार, मज़ा आया देख करके। उसके बाद में आप देख सकते हैं रियान पराग ने भी विकेट लिया, और हार्दिक पांड्या जिस तरीके के अभी मतलब कि एक चैट मोड में खेल रहे हैं, आप देख सकते हैं कि आज उन्होंने जिस तरीके से कैच पकड़ा है वो भी काबिल तारीफ था। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है ये, तो आप देख सकते हैं कि बस एक सीरीज़ हो रही है, मतलब आप बोल सकते हैं असली तो अब जो मज़ा आएगा वो टेस्ट मैच जितने देखने को मिलेंगे हमें WTC के लिए, या फिर जो ODI मैचेस होंगे चैंपियंस ट्रॉफी के, उसमें मज़ा आप देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच, जय जय भारत।